बेटा आज हम मैथ्स में डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में असेंडिंग ऑर्डर किया था, जिसे हमने किस मेथड से किया था कि अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर उसका अपोजिट है, ठीक है। उसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं, उस इसमें ऊपर से। मीन्स अगर हमें सीढ़ियाँ उतरना हो तो सबसे पहले हम कैसे उतरेंगे, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखेंगे, फिर उससे नीचे वाली पर, फिर उससे नीचे वाली पर, इस तरह से उतरते हैं ना। तो इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, उसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ये इसको अपोजिट है, इसमें हम पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। यहाँ पर हमने फोर नंबर लिए हुए हैं, 34, 19, 72 और 85। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 85। इसके बाद 72, उसके बाद 34, इसके बाद 90। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। नेक्स्ट में देखिए 27, 41, 93 एंड 64। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 93। इसके बाद है 64, इसके बाद 41, इसके बाद 27, ठीक है। अब 76, 95, 38 एंड 40। सबसे बड़ा नंबर 95, 76, 40 एंड 38। नेक्स्ट 11, 62, 44, 35। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 62, उससे छोटा 44, उससे छोटा 35 एंड लास्ट 11, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अपोजिट होते हैं। मींस असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। थैंक यू।